सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के यूट्यूब चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। गोकर्ण ने अपने पिता को उपदेश दिया। पिता उस उपदेश को श्रवण करके वन में आए और भागवत की शरण में जाकर के देह को त्याग दिया। इधर गोकर्ण भी अपने भाई धुंधकारी के अशुभ कर्मों को देख करके चले गए तीर्थ यात्रा करने के लिए। पीछे धुंधकारी अब द्वंद करने लगा, खूब चोरी करने लगा, डाका डालने लगा और अपनी माँ को ही एक बार ले जा करके कुएं में धकेल करके आ गया। माँ अपने बच्चे बेटे के करतूतों को देख करके कई बार बहुत दुखी हो जाती है। इसलिए ध्यान देना देवी और सज्जनों, अपने छोटे से बच्चे को अच्छे संस्कार देना बचपन से ही कर दो। ऐसा नहीं सोचना कि बड़ा हो जाएगा तब प्रभाव समझ जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर उसका किसी ऐसे मित्र के साथ संयोग बन गया कि जो शराबी है, जुआरी है, अशुभ कर्म करने वाला है, अगर उसकी लत लग गई तो फिर आप चाहे कितना भी परेशान हो जाना वह नहीं सुभल पाएगा। अब धुंधली ने संस्कार तो अच्छे दिए नहीं थे, माँ को भारी पड़ गया और जाकर के वहां कहाँ चले गए, बस माँ को लेकर के चले गए और कुएं में धकेल करके आ गए और धुंधकारी तो बहुत निर्द्वंद हो गया। पांच वैश्याओं को घर में ले आया, पांच वैश्याओं ने धोखे से मदरा पान करा करके उसको बेहोश कर दिया और चार पाई पर लिटा करके रस्सियों से कस के बांध दिया। क्यों? वैश्याओं ने सोचा अगर ये डांका डालता है, चोरी करता है तो कोई पता चल गया, कोई आ गया तो फिर हमें कोई बांध करके ले जाएगा, हम जेल जाएंगे, हमको दंड भुगतना पड़ेगा। इसलिए एक काम करते हैं, इसको रस्सी से बांध करके मदरा पिला करके और उसको चारपाई पर लिटा दिया और मुख में जलते हुए अंगारे भर दिए और गड़ासे से काट दिया। एक एक अंग को काट करके वहीं जमीन में गड्ढा खोद करके उसको दबा दिया और सारा माल टाल लेकर के वैश्य फरार। यह है बुराई का फल। बुराई का अंत क्या होता है? सर्वनाश, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इसलिए अपने छोटे बच्चों को संस्कार अच्छे सिखाओ, मंदिर ले जाओ, भगवान की मूर्तियों से परिचय कराओ, उनको दर्शन कराओ, गाय का दर्शन कराओ, गाय की सेवा कराओ, दादी की, दादा की, गुरुजनों की, संत लोगों की सेवा करवाओ, प्रणाम करना सिखाओ। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, हम तो जगह जगह जाकर के देखते हैं, बड़ा अच्छा अनुभव हमको हो गया कि हम जहाँ भी जाते हैं माता पिता कहते हैं बेटा गुरुजी आए हैं पैर छू करके आओ। पहले तो नखरे करेगा, वो जगह से आगे बढ़ेगा ही नहीं, जैसे तैसे करके आगे जाएगा भी तो बस जरा से ऐसे करके तुरंत भाग करके आ जाएगा। अरे जब तक ये मस्तक चरणों में नहीं झुकेगा तब तक अविवेक तुम्हारा नहीं जाएगा। विवेक जागृत तभी होगा जब ये गर्भ से भरा हुआ मस्तिष्क, अभिमान से भरा हुआ आपका शीश चरणों में जब तक झुकेगा नहीं तब तक ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। गुरु के शरण में जाओ कुछ शिक्षा प्राप्त करने के लिए, कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए। अभिमान में रहो, गुरु जी जो कहें वो आप काम नहीं करोगे तो फिर क्या तुम शिक्षा को सीख पाओगे, कुछ ज्ञानार्जन कर पाओगे? कभी नहीं। विद्या ददाति विनयम्। अगर विद्या चाहते हो, ज्ञान चाहते हो तो विनम्रता जीवन में लाइए, बच्चों में संस्कार अच्छे बनाइए। अब धुंधकारी परिणाम ये हुआ, सब कुछ नष्ट हो गया। पिता का हरा भरा जो घर था वो सब नष्ट हो गया। धोखे से मारा तो अंत में वो प्रेत बन गया। प्रेत बन गया तो घर में रहे, कभी भेड़िया बन जाए, कभी सियार बन जाए, कभी कुछ बन जाए, कभी कुछ बन जाए, अनेक अनेक रूप धारण करने लगा।
गोकर्ण एक बार अपने पिता के घर पे आए, रात्रि काल में वहां रुके, रुक करके देखा तो एक आवाज घुर घुर की आवाज आ रही है। कभी कोई भिड़िया बनकर की आता, कभी कोई जीव जान जंतु बनकर की आता और डराने का प्रयास करता गोकर्ण को। गोकर्ण के सामने जब जैसे वो जीव आता तो गोकर्ण के पास तो शक्ति का बल था, तप का बल था और तीर्थों का जल था। तीर्थों का जल का संचन किया एक क्षण, उसके अंदर बोलने की शक्ति आई तो उसने पूछा, तुम कौन हो भाई, मुझे तुम अलग अलग रूप धारण करके डराने का प्रयास कर रहे हो, कौन हो आप? तब प्रेत ने कहा कि अहम भ्राता तुदीयोऽस्मि धुंधकारी तिनामत स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मात्मनाशितं मया। कि मैं आपका भाई धुंधकारी हूं, मैं प्रेत बन गया हूं, धोखे से मेरी मृत्यु हो गई है। जो लोग जहर खाकर के मर जाते हैं या कोई जहर देकर के मार देता है वो प्रेत बनते हैं। ये किसी को धोखे से मार देते हैं उनकी गति नहीं होती, उनकी सदगति केवल भागवत करती है और कोई साधन नहीं है। गोकर्ण ने कहा, यार मैंने तो तुम्हारा सब कुछ पिंड दान कर दिया, गया में जाकर के दान किया, पुण्य किया, जो भी कुछ करना था सब कर दिया और फिर भी तुम प्रेत बनकर पड़े हो। बोले हाँ प्रभु, हाँ भैया, मेरा आप उद्धार कराइए। तो गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि गया में जाकर के पिंडदान करते हैं, कथा सुनते हैं और पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, पितृपक्ष में जाकर के पिंडों का मुक्त, पिंडों की, पितरों की मुक्ति हो जाती है, लेकिन तुम्हारी मुक्ति फिर भी नहीं हुई। पिशाच प्रेत योनि बड़ी भयंकर है, उसमें पिंडदान कोई काम नहीं करता, तर्पण कोई काम नहीं करता, हवन कोई काम नहीं करता। धुंधकारी ने कहा, भैया मेरा कोई उपचार ढूंढिए, मैं बहुत दुखी हूं। गोकर्ण ने कहा, चिंता मत करो, आप धैर्य धारण करिए। तो गोकर्ण के गुरुदेव हैं भुवन भास्कर सूर्य नारायण भगवान। गोकर्ण ने सूर्य नारायण भगवान को रोक लिया कि रुकिए गुरुदेव, मेरी मन की शंका को दूर कीजिए। बोले क्या है? कीति सूर्य वरच स्वधर्म रूप तो विश्रतम श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। जब गोकर्ण ने सूर्य भगवान से कहा कि मेरा भाई प्रेत बनकर की पड़ा है, कोई मुक्ति का साधन ढूंढिए, आप बताइए मैं क्या करूं, और जब तक मेरी समस्या का आप समाधान नहीं करेंगे ना, तब तक मैं आपको जाने नहीं दूंगा। तो सूर्य नारायण ने कहा कि तुम्हारे भाई की जो मुक्ति होगी कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम करो, कि अपने भाई की प्रेत से मुक्ति कराने के लिए आप भागवत करिए। तो गोकर्ण ने अपने भाई धुंधकारी की प्रेत योनि से छुटकारा दिलाने के लिए भागवत कही, और भागवत जब कही तो वहां उस स्थान पर कही, उस स्थान पर बांस का बगीचा था, तो वही वो प्रेत आत्मा को बुलाया और बांस में जाकर के वह बैठ गया। 7 दिन कथा हुई, 7 दिन में वो ग्रंथि सातों फट गई और धुंधकारी का मोक्ष हो गया और देव स्वरूप में आकर के सामने प्रकट हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की, यह है कथा का प्रताप। देवताओं का जैसा शरीर धारण कर लिया और पितरोनी से मुक्त हो गया और भगवान का विमान आया लेने के लिए, भगवान की पार्षद लेने के लिए आए और विमान पर बैठ करके जाने लगा।
तो जितने भी ऋषि मुनि वहाँ बैठे थे सब ने कहा कि महाराज ये तो पार्शलिटी ठीक नहीं है भाई, कथा तो हमने भी सुनी है। अगर मान लीजिए आप में किसी का अगर उद्धार हो जाए, भगवान का विमान लेने के लिए आ जाए और किसी के लिए नहीं आए, तो स्वाभाविक है प्रश्न उठेगा। तब कहा गया, भगवान की दूतों ने कहा कि धुंधकारी ने जिस प्रकार से कथा सुनी है उस प्रकार से आपने कथा नहीं सुनी, कथा सुनने में चूक हो गई है, कोई भूल हो गई है, इसलिए विमान नहीं आया। एक आसन पर 7 दिन तक बैठा रहा, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, एक तक भगवान का ध्यान लगा करके एक आसन पर बैठा, तो मुक्ति संभव है, भगवान का विमान आएगा ही। उधर भक्ति ज्ञान और वैराग्य का कष्ट का भी निवारण हो गया और धुंधकारी का मोक्ष हो गया, हो गया संकट का निवारण हो गया, ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हो गई, भक्ति नित्य करने लगी। सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सुतो तुम तरणो गृहीत्वा प्रेमिक रूपा सहसा अविरासीत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नाथेति नामानि मोहर वदंती। भक्ति देवी नृत्य करने लगी तरुण अवस्था की को प्राप्त होकर के। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।